Welcome students to channel Study 24/7. Now I am with the video of strategy to score 45 plus score in IBPS PO pre. ठीक है, हम 45 से ज़्यादा मार्क्स कैसे ले सकते हैं IBPS PO pre में, और 45 से ज़्यादा मार्क अगर आप ले रहे हैं तो श्योर शॉट यू विल बी क्रैकिंग दी IBPS PO pre स्टूडेंट्स. ओके, सो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई करना करनी पड़ेगी. हमें जो हमारे जो माइंडसेट है कि कौन से क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना है, ये हमें प्रॉपर आना चाहिए, तब जाके स्कोर हमारा मैक्सिमम हो सकता है. ठीक है, सो गाइज स्ट्रक्चर तो सब लोगों को पता है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, और टाइम हमें दिया जाता है 1 घंटे का. ठीक है, एक बात ध्यान में रखिए गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे सोचते हैं मुझे सब कुछ आना चाहिए. गाइज अगर आपको सब कुछ आता भी नहीं है इस एग्ज़ाम में, सब क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन आपको जो आते हैं वो आप प्रॉपरली सिलेक्ट करके आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं. सो गाइज ये स्किल चाहिए IBPS को. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपका नॉलेज नहीं चेक करना है, उनको आपका टाइम मैनेजमेंट, स्टेट ऑफ माइंड एंड आपकी स्पीड कितनी है ये चेक कर रहे हैं वो इस एग्ज़ाम के थ्रू. ठीक है, प्री के स्कोर आपको आगे जाके उसका कुछ बेनिफिट नहीं है कि आपको 50 मिले या फिर 55 मिले या फिर 40 मिले. कट ऑफ क्रैक कर लिया, इट विल बी गुड. ओके, क्योंकि उसके बाद मेन स्कोर और इंटरव्यू के स्कोर पे मेरिट लिस्ट बनती है. ठीक है, प्री सिर्फ क्वालिफाई होती है हमें. ठीक है, प्री को क्वालिफाई करना है और हमें आगे जाना है. अगर हमें आगे हमारा मेंस का पढ़ाई बहुत बढ़िया हो चुकी है, हमें इंटरव्यू भी प्रॉपर आता है, हमें क्वेश्चंस सब आते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, हमारी पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन प्री हम प्रॉपरली नहीं करेंगे, अगर प्री नहीं क्रैक करेंगे तो फिर आगे जो चीज़ें हैं वो हमें फेस करने को नहीं मिलेगी. सो गाइज हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं. ठीक है, अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में देखिए क्या स्ट्रक्चर होता है एग्ज़ाम में. देखिए कौन से मिसलेनियस से 8 क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज जो होती है नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चंस यानी 2 डेटा इंटरप्रिटेशन पूछते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से आसपास 2 क्वेश्चंस और सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चंस. ऐसे ये स्ट्रक्चर रहता है क्वांट सेक्शन का. ठीक है, कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो भी एग्ज़ाम हुई है, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम था IBPS प्री का. ठीक है, सो उस हिसाब से मैंने ये स्ट्रक्चर आपको दिया है कि इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो गाइज हमें ये क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनानी होती है. ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको नॉलेज नहीं शो करना है वहाँ पे, आपको टीम आपकी टाइमिंग शो करनी है, स्पीड शो करनी है, आपको आपका स्टेट ऑफ माइंड शो करना है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है वो शो करना है उस एग्ज़ाम में. ठीक है, तो इसके लिए आपको जैसे क्वांट का अटेम्प्ट मैंने कुछ टिप्स है आपको वो हम देखेंगे, उसके बाद अटेम्प्ट टारगेट भी देखेंगे, और उसके बाद हम अटेम्प्ट कौन से चीज़ें अटेम्प्ट करें हम पहले ये देखेंगे. तो हम देखें टिप्स में ऐसा है कि जैसे गाइस देखिए DI 2 होते हैं, तो एक तो DI आप प्रॉपरली सॉल्व कर लो, जो एक DI है ना उसको प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, एक्यूरेट होना कीजिए, ट्राई कीजिए एक्यूरेट करने का. ठीक है, और इस सेक्शन को सॉल्व करते समय आप एक बात ध्यान में रखिए कि 10-12 मार्क्स आपके स्कोर होने चाहिए मिनिमम. ठीक है, अगर 10-12 मार्क्स आपके स्कोर हो रहे हैं इस सेक्शन में तो आप कट ऑफ तो क्रैक कर ही रहे हैं किस कौन सेक्शन का, और दूसरी चीज़ आपके मार्क्स इंक्रीमेंट भी होंगे, आपके जो ओवरऑल मार्क्स रहेंगे उसमें इंक्रीमेंट भी आपका होगा अगर आप क्वांट में स्कोर अच्छा करते हैं, क्योंकि क्वांट का मैक्सिमम एक्यूरेसी क्वांट में रहती है हमारी. ठीक है, और इसके लिए आपको मॉक एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी अटेम्प्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए क्वांट सेक्शन में. सो गाइज आपको देखिए सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन जो होते हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए, उसके जो भी 5 से 10 से लेके जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको अटेम्प्ट करने का आप एक टारगेट रखिए, और उसमें भी हमें पूरे क्वेश्चंस आए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हमें 6-8 क्वेश्चंस वहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उसके लिए ट्रिक्स विक्स पता होनी चाहिए. जैसे मैंने क्यूब स्क्वेयर्स क्यूब रूट स्क्वेयर रूट्स की ट्रिक्स मैंने अपलोड कर दी है. ठीक है, तो ऐसे कुछ और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की टेक्निक्स जो होती है ऐसी कुछ टेक्निक्स हमें फास्ट आती होंगी, तो 6-8 हम इजीली उसको कर सकते हैं. तो 60 अगर 5
क्वेश्चंस पूछे हैं सिंप्लीफिकेशन से और अप्रोक्सीमेशन से, तो गाइज आप थ्री क्वेश्चंस तो इजीली कर सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चंस पूछे हैं तो 6 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप DI पे जाइए, ठीक है। DI को लीजिए और उसमें भी DI ऐसा चूज़ कीजिए जैसे जो ईजी आपको लग रहा हो, जैसे पाई चार्ट थोड़ा पाई चार्ट में अगर दो चार आपको DI में दो दिख रहा है, जैसे पाई चार्ट भी दिख रहा है, बार ग्राफ भी दिख टेबल ग्राफ भी दिख रहा है, सो गाइज उस DI को आप सेकेंड प्रायोरिटाइज कीजिए। पहले प्रायोरिटी दीजिए जो सिंगल DI, जैसे आपको टेबल दिया हुआ है उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, सो गाइज उसको अटेम्प्ट कीजिए पहले, क्योंकि DI भी सिलेक्ट करना एक हमें एक टेक्निक होती है। नहीं तो हम DI देख के सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उसमें भी क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, तो हमें टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है उस क्वेश्चन में, और कंज्यूम जितना ज़्यादा टाइम कौन सेक्शन जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना ज़्यादा अदर जो सेक्शन है उस पर इफेक्ट होता है उसका, ठीक है। इसीलिए DI भी आप चूज़ कीजिए प्रॉपर, जिसमें आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगर टाइम आपको मिलता है सो DI में अगर आपने दो DI होते हैं उसमें 10 क्वेश्चंस, तो 10 में 6 इजीली आप कर सकते हैं, बाकी 4 भी आप कर सकेंगे। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 6 क्वेश्चंस उसमें भी आप इजीली कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से 6 क्वेश्चंस, ठीक है। 12 क्वेश्चंस ही होगा, फिर बाद सीरीज और सीरीज को लीजिए, नंबर सीरीज को आप उसके बाद प्रेफरेंस दे दीजिए, किसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद, ठीक है। सो फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन, देन डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद सीरीज और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम है तो। आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को इस सेक्शन को देना है 20 मिनट, ठीक है। टाइम 20 मिनट दे आपको देना है क्वांट को, ठीक है गाइज। 20 मिनट में आप 15, मैंने टारगेट 15 रखा है क्योंकि 15 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो मोस्टली हमारा जो एक्यूरेसी लेवल होता है वो ज़्यादा होता है अदर सेक्शन से क्वांट सेक्शन में, इसीलिए 15 में आप 15 आपने अगर अटेम्प्ट कर लिए हैं सो गाइज आपको 10 to 12 के बीच मार्क मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे सेक्शन की बात करते हैं जो कि है रीजनिंग, ठीक है। अब रीजनिंग का पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, 10 मार्क के पजल्स होते हैं गाइज, ठीक है। उसके बाद इक्वेलिटीज होता है 5 मार्क्स का, फिर कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स, सिलॉग्स 5 मार्क्स, लीनियर अरेंजमेंट जो होता है सेटिंग अरेंजमेंट वाला वो 5 मार्क्स, और मिसलेनियस 5 मार्क्स। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें हम अटेम्प्ट सीक्वेंस देखेंगे। देखिए रीजनिंग को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सो सबसे पहले आप पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट कभी मत कीजिए स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में उससे अलावा जो क्वेश्चंस है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के अलावा, जैसे इनइक्वालिटीज होती है, सिलॉग्स होते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, और क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को आप कीजिए। उसके बाद क्योंकि ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके आसपास 10 to 15 क्वेश्चन ये बन जाएंगे, और उसके बाद आप फिर सिटिंग अरेंजमेंट और जिनको पजल अच्छे से आता है वो पजल पे भी जा सकते हैं। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में भी आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले जो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट अगर वहाँ पे आया है और वो भी सेंट्रल फेसिंग है तो बहुत अच्छा, ठीक है। स्क्वायर टेबल है उसमें फेसिंग इनवर्ड हुआ आउटवर्ड हुआ नो प्रॉब्लम, लेकिन सर्कुलर स्क्वायर वाले बहुत आसानी से हम जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी देखना पड़ता है कि सर्कुलर पूछा है या फिर ब्लड रिलेशन और सर्कुलर पूछा होगा तो थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन अगर इजी टाइप में आया है तो गाइज उसको अटेम्प्ट जल्दी कीजिए। कभी कभी हम हमें समझ में नहीं आता है कि एक क्वेश्चन इजी है हार्ड है और हम छोड़ देते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं कर पाते। सो गाइज उसमें भी आप सिलेक्ट कीजिए कि सिटिंग अरेंजमेंट को बस 1-2 सेंटेंस से आपको पता लगता है कि यार ये हमसे अटेम्प्ट हो पाएगा। सो सर्कुलर में स्क्वायर टेबल में आसानी से अटेम्प्ट होते हैं तो फिर सिटिंग अरेंजमेंट ले लीजिए, और उसके बाद फिर कोई टाइप अगर बच रहा है आपका तो वो ले लीजिए, क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने आपके बाकी थे वो ले लीजिए। उसमें अटेम्प्ट टारगेट गाइज मैंने रखा है 30, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए रीजनिंग में, 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आप 100% 25 तक स्कोर कर सकते हैं, 25 to 26 के दौरान आप इसमें स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। और आपको टाइम देना है 30 मिनट भी आपने लिए रीजनिंग के लिए तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपका कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रीजनिंग सेक्शन का रहेगा, ठीक है। मैं गाइज मैं ओवरऑल एनालिसिस के बेस पे ये बात कर रहा हूँ, अगर कोई किसी का क्वांट स्ट्रांग होगा तो वो क्वांट में स्कोर करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये इजी सेक्शन होता है तो इसका कंट्रीब्यूशन हमारे ओवरऑल कट ऑफ में ज़्यादा होता है। तो 30 क्वेश्चंस गाइस टारगेट रखिए अटेम्प्ट करने का, और 30 मिनट आप इसको दिए तो भी चलेगा नो प्रॉब्लम, और 35 के तो नो प्रॉब्लम, 35 out of 35, ठीक है। अब इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं गाइस। इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 10 मार्क, एरर डिटेक्शन 5 मार्क्स, सेंटेंस करेक्शन और फिलर्स 5 मार्क, ठीक है,
पैरा जम्बल्स 5 मार्क्स और क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स, ठीक है। ऐसे इंग्लिश का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मार्क्स का, ठीक है। तो हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, जैसे हम क्लोज टेस्ट सबसे पहले अटेम्प्ट करना है आपको इंग्लिश सेक्शन करते समय, उसके बाद फिलर्स या फिर सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट की जो भी होती है क्वेश्चंस वो, और उसके बाद सेंटेंस ही अरेंजमेंट, और उसमें भी फर्स्ट और लास्ट पहले टिक कर लीजिए, ठीक है, अगर आपको समझ रहा है तो, ठीक है। या फिर आपको सिक्वेंस प्रॉपरली आ रहा है तो पूरा आप प्रॉपरली कर सकते हैं पाँचों क्वेश्चन, अगर नहीं समझ रहा है तो फर्स्ट और लास्ट कर दीजिए, दो क्वेश्चन तो बनी जाएगी उससे आपके, दो मार्क अगर प्रॉपर आपको समझ में आए तो, ठीक है। और उसके बाद रीडिंग कंप्रिहेंशन में जो एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं वो अटेम्प्ट कीजिए गाइज, ठीक है। और इंग्लिश सेक्शन में मैंने टारगेट रखा है क्वेश्चंस का, वो रखा है 19 टू 20 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए इंग्लिश क्वेश्चन में, और टाइम गाइस 10 टू 12, और 10 टू 12 मिनट्स में आप इजीली 19 टू 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन के, ठीक है गाइस। ओवरऑल जो गुड अटेम्प्ट्स, अगर हमारे कॉन्फिडेंट हमें रहना है कि मैं प्री तो क्रैक करूंगा ही, तो उसमें अगर 60 टू 65 के बीच आपने अगर ओवरऑल अटेम्प्ट्स किए, ऑल क्वेश्चंस टोटल ओवरऑल अटेम्प्ट आपका 60 टू 65 बन गया, सो गाइस आप 100% आप क्रैक कर पाएंगे प्री को। उस देखिए कम भी अटेम्प्ट हुआ लेकिन आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़िया है, सो गाइज आप उसमें भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन आपको 60 टू 65 में 100% आप फुल कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। सो गाइज अब और वीडियोस इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे, स्टडी टॉपिक से भी रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू गाइज।